सहारनपुर में हिंदू योद्धा परिवार HYP संस्थापक चौधरी विश सिंह कम्बोज के नेतृत्व में सभी हिंदू योद्धाओं ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। चौधरी विश कम्बोज ने बताया कि बीते वर्षों में देखा जा रहा है कि कुछ रामलीला कमेटी रामलीला मंच पर रामलीला में भीड़ जुटाने के लिए अश्लील नृत्य व फिल्मी गीतों पर बालिकाओं या लड़कों को महिलाओं व भगवान के स्वरूप में नृत्य करवाया जा रहा है, जिससे कोई अच्छा परिवार व व्यक्ति अपने बच्चों, भाई बहन, माँ बाप के साथ रामलीला देखने नहीं जा सकता है। और रामलीला मंच पर अश्लील नृत्य की वजह से हमारे धर्म व देवी देवताओं का अपमान होता रहा है, जिससे प्रत्येक हिंदू समाज के हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करने का कार्य किया जाता है। मैं चौधरी सिंह कामू हिंदू परिवार से, आज हमें सभी हिंदू जो है DM साहब के पास, जिलाधिकारी मोदी के पास, जो ये रामलीला व अन्य धार्मिक आयोजनों पे जो अश्लील नृत्य व जो फिल्मी गीतों पर नृत्य कराया जाता है, उसकी रोक के लिए ज्ञापन देने आए हैं, जिसमें हमने DM साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमने कुछ इस प्रकार जो हमने जिलाधिकारी साहब को सौंपा है, मैं आपको थोड़ा सा अवगत कराना चाहता हूँ कि वैसे तो संविधान में देश के हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जिससे लोग पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, लेकिन यह स्वतंत्रता कहीं कहीं ऐसा उदाहरण पेश करती है कि लोग स्वच्छंद होकर रामलीला व अन्य धार्मिक मंचों से मनमानी करते हैं और संस्था का रामलीला कार्यक्रम से तनिक भी लेना देना नहीं है। जी, अगर नहीं ऐसा होता है तो आपका नहीं, हम जो है हम चाहते हैं कि ये जो है DM साहब जो रामलीला के जो आयोजक हैं या रासलीला के आयोजक हैं, जो जागरण वगैरह के आयोजक हैं, ये जितने भी अन्य धार्मिक कार्यक्रम के आयोजक हैं, उनको जो है आदेश पारित करें कि इस प्रकार की कोई भी झांकी या कोई भी ऐसा नृत्य या कोई असली नृत्य जिस पर फिल्मी गानों पर जो है बालिकाओं को और लड़कों को भगवान का स्वरूप बना के नचाया जाता है, इस तरह के आदेश दिए जाएं कि इस प्रकार की कोई भी घटना कहीं पर नहीं हो। अगर ऐसा होता है तो हम वहां पर पहुंचकर कानून को अवगत कराएंगे, पुलिस को अवगत कराएंगे, वहां पर पहुंचा के उस चीज़ को हमारी वहीं रोकथाम करने का कार्यक्रम करेंगे। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।